जन्म मरण दूहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जेल विच देखे है तरह तरह के कैदी, हर कैदी अपने अपने कर्मां दी सजा भुगत रहा है। किसे नू 5 साल दी है, किसे नू 10 साल दी, किसे नू उम्र कैद है। जिवें जिवें उसते कर्मां दे मुताबक सजा मिली है वो जेल विच सजा भुगत रहा है। लेकिन एक डॉक्टर है, वो भी जेल च जांदा है, बाहर आ जांदा है, लेकिन वो कैदी नहीं है। डॉक्टर कैदी नहीं है, डॉक्टर नू उना कैदियां वांगू कर्म नहीं भुगतना पै रहा। डॉक्टर जेल विच जांदा है, जदों मर्जी जाए, जदों मर्जी आए, वो जांदा है उना कैदियां दे रोगां दी ट्रीटमेंट करन वास्ते। जदों उना दी रोगां दा डायग्नोज करदा है, दवाई देंदा है, उना दी सजा वेख के नहीं, उना दे शरीर दी बीमारी वेख के। उना दी सजा दे नाल उसनू कोई मतलब नहीं हुंदा, उसनू है उना दी बीमारी वेख के इलाज करना। जे एक डॉक्टर जेल विच जदों मर्जी जाए, जदों मर्जी आए, पर उपकार लई जांदा है, ओ उना कैदियां दे शरीरां दे रोगां तों उना नू मुक्त करन लई जांदा है। ते गुरमुख जन पर उपकारी इस जगत विच परमेश्वर दे हुकम विच आउंदे ने, परमेश्वर दे हुकम विच चले जांदे ने, आउंदे ने कुराहे पिया होयां नू राह पाउण वास्ते, टुटिया होयां नू जोड़न वास्ते, निगुरिया नू गुरु वाला बनाउण वास्ते। जिहड़े मनुखता तो दूरी बनाई बैठे ने उसां नू मनुखता दे नेड़े करन वास्ते, जिहड़े वकारां दे टोए च डिगे होए ने उहनां नू वकारां तो मुक्त करन वास्ते, जिहड़े अज्ञानता विच जी रहे ने उहनां नू ज्ञान देण वास्ते। आखो वाहेगुरू। लगता है परमात्मा ने इन्हां नू भेजिया ही परपकार करन वास्ते है। आखो वाहेगुरू। एक बारी तुसी भी बोलो, मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। फिर बोलोगे, मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। सारे बोलो वाहेगुरू, वाहेगुरु, 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 वाहे, 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 वाहे। सचमुच यह याद मनाउण दा एक जुगत है, यह याद मनाउण दी जुगत है। जे तुसी साईं दी याद संभाल ली ना, समझ लो उन्हां दी याद भी संभाल ली। जे तुसी साईं नू चेते कर लिया ना, ते समझ लेना जिन्हां दी याद मना रहे हो उन्हां दी याद भी सच्ची हो गई। सच नाल जुड़िया सच हो जाईदा है। इस करके दिल कीता बोलो वाहिगुरू। जे कोई कवे ना बोलो वाहिगुरू, बोल प्या करो, तुहाड़ियां कुल्लां तर जाणगियां, बोल प्या करो, तुहाड़ा बेड़ा पार हो जाएगा, बोल प्या करो। उन्होंने कमाई कीती है, तुसी भी कमाई करो, बख्शिश हो जाएगी। इसदियां दियां झोलियां भर लो। तुहानू भी कल कोई कवे सफल तेना के कामा, बोलो वाहिगुरू, वाहे 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 वाहे। इस संसार दे विच आउंदे तां अनेकां हन, पिना सारिआं विचों ओह धन धन हन जिहड़े परमेश्वर दी बाणी नूं
नित गाउंदे ने, नित सुनदे ने। बोलोगे गुरबाणी तिन्ना गुरसिखा, गुरबाणी नित गाए सुनन दे। संग्रांद ते संग्रांद नहीं, कदे कदे नहीं, नित गाए सुनन दे। मस्या दे मस्या नहीं, खास दिन त्यौहार ते नहीं। वो तन ने जेड़े गुरबाणी नित गाउंदे ने, नित सुनदे ने, पर उन्हां नाल भी वो ज्यादा धन धन ने जेड़े गुरबाणी गाउंदे होए, गुरबाणी सुनदे होए, गुरबाणी विच ही जीउंदे ने। जिन्हां दा जीवन ही गुरबाणी है, अखवाई जिन्हां दा जीवन ही गुरबाणी है, वह उन्हां नाल भी ज्यादा धन धन नहीं ते उन्हां दे भाग जागे हुए ने जिहड़े गुरबाणी अनुसार सुचेत होके जिउंदे ने, जिहड़े गुरबाणी अनुसार गफलता दी नींद चों उठ पए ने, जिहड़े गाफल होके जीवन नहीं बिताउंदे। वह धन धन ने, भाग चंगे ने, लेकिन उन्हां नाल भी ज्यादा भाग उन्हां दे चंगे ने जिहड़े आप जाग के दूसरियां नूं भी जगाउंदे ने। अज उन्हां दियां यादां मनाईयां जा रहियां ने जिहड़े आप गुरबाणी अनुसार सुचेत होके सानू सुचेत कर गए। अज भी असी याद मनाते हाँ सुचेत होने लई, अज भी असी याद मनाते हाँ गफलता की नींद चों उठन लई। दूसरा शब्द बोलन तो पहलों मैनू गल चेते आई है, क्योंकि जन परोपकारी आए, तन तन बाबा अतर सिंह जी मस्ताना साहब वाले बैठे सन। एक जग्यासु ने आके सवाल किया, मैं पहलों बेनती की है आप जागते ने, दूसरे नु जगाते ने, सवाल किया कृपा करके दसो मन मेला है किमें मैल उतारा, मन मेला है। आखन लगे कदी मां नूं अपने बच्चे वल वेख्या जदों उसके कपड़िया ते मल लगी होवे, गंदगी लगी होवे, फिर धोंदी है ना, फिर धोंदे धोंदे साबण लगा के मैल उतार के मुड़ के पानी विच पा के फिर उसनू साफ करदी है ना। इस तरह मैल भी चढ़ती रहती है लेकिन मां साफ ही करती रहती है। मैल भी चढ़ती रहती है, बच्चा है ना आपको आई, लेकिन मां साफ भी करती रहती है, क्योंकि मां की इच्छा है कि मैं बच्चे नूं साफ देखा, मां की इच्छा है कि बच्चे नूं मैं साफ रखा। जग्यासु ने कहा मैं थोड़ा जा होर खोल के समझाओ। खंड लगी अच्छा, कदे छत चौंदी होवे ना, चिट्टी खुंभ वर्गी कोई सफेद चादर पा दीए ना, छत चौंदी है, एक एक तुपका तुपका उत्थे चौंदा रहिंदा है ना,
ਉਹ ਖੁੰਭ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚੁੰਦੀ ਚੁੰਦੀ ਖੁੰਭ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਤੋ ਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲ ਅਤੇ ਮੂਤ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਗਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਦੇ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਤਿੰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਭੋਗ ਵਾਸਨਾ। ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਈ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਪੀ ਜਾ ਜਪੀ ਜਾ ਜਪੀ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਭੋਗ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਆਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾ ਸਕੇਗਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਰਸ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਰਸ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭੋਗ ਵਾਸਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਮੈਲ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵਾਸਨਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹ 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 ਕਰਨ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ
वाह वाह दी भुख रखेगा जीउंदे जी। ए वाह वाह तैनू परमेश्वर दी वाह वाह नाल नहीं जोड़न देंगी। आखो वाहिगुरू, मेरे वर्गा कोई कीर्तन नहीं करता, मेरे वर्गा कोई कथा नहीं करता, मेरी वर्गी कोई सेवा नहीं करता, फिर तो तू अपनी वाह 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 नाल जुड़न लग गया ते साईं दी वाह वाह नाल नहीं जुड़ सकेगा। आखो वाहिगुरू, ये लोक वासना भी त्यागनी होएगी। आखो वाहिगुरू। तीसरी है आम वासना, जे तेरे चित विच यह गल हमेशा रहेगी मैं ऐसा काम करके जावा मेरे मरण तो बाद लोकी मेरी वाह 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 करन, यह भी वासना तेरे नाम कमाई विच प्रफुल्लित तैनू नहीं करन देगी। ओ बंदिया अमूरखा, मर गया तू बाज देखण वास्ते आएगा तेरी वाह वाह हो रही है कि नहीं हो रही? कोई मरण तो बाद देखण वास्ते आउंदा है? तू इस तरह जीवना जी, जीते जी ही साईं दी वाह 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 नाल जुड़ जा। आखो वाहिगुरू, साईं दी वाह 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 नाल जुड़ जा। आखो वाहिगुरू, जुड़ जाओ, बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। कन्ना नाल भी उसे नु सुनो, रसना नाल भी उसे नु बोलो। ये ना होवे ना कन्ना नाल तो अपनी सुनो भाई मेरी लोकी वड्याई करन, रसना नाल उसकी वड्याई करो फिर नहीं। आखो वाहिगुरु, रसना नाल बोलो वाहिगुरु, ते कना नाल भी सुनो वाहिगुरु, रसना नाल भी बोलो वाह वाह वाह, अपने कना नाल भी बोलो वाह 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 वाह। अगो जगयासु ने हाथ जोड़ ले, करां की ठीक तो हैं गल्लां तुहाडियां, पर मैं जो नाम जपन लगता नींद आ जाती है। आखो भाई ये बारे कुछ दसो की करा, नींद बड़ा तंग करती है। कहते होर, कहते कदे शरीर की चौकड़ी मारा जा बैठन का यतन करा तो शरीर साथ नहीं दिता। कहते होर, कहिंदे की सुनावां मन ही बड़ा दौड़दा है, मन दौड़दा है। जन पर पकारी आए, आखो सारे मेरे राम हर जन कै हो मिल जाए। कहिंदे गुरमुखा, जदों तू इस पासे हुण विचारन लग गया तो मैं तैनूं गुरमुख कहना। आखो वाहिगुरू, क्यों लगदा तू पांडा तैयार करना चाहुंदा है? गुरमुखा एक गल कहां, जे नींद आवे ना ते ठंडे पानी नाल नहा लिया करो, नींद उड़ जाती है। जे फिर भी नींद तंग करे ते ठंडे पानी दे छट्टे मारन लग जाया करो, फिर उड़ जाती है। जे फिर भी तंग करे ते तुरन लग पिया करो, फिर तुर के जपन लग पिया करो। इस तरह अभ्यास करन दे नाल नींद उड़ जाएगी। आखो वाहिगुरू, सारे बोलो वाहिगुरू, एक बारी सारे बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। कहिंदे शरीर थक जांदा है ना, शरीर नूं जो जी सुभाव बना दिए इस तां उह जिही बन जांदा है। शरीर नूं जो जी आदत पा दिओ ना, उह जी आदत पा लैंदा है। एक बारी कह दिओ, देख वारी मिली है मैनू, तू है मेरी घोड़ी, इनू शब्द दियां लगामां पा के रखो ते सहजे सहजे ये सुभा अपना बदल लेगा। आखो भाई बदल लेगा, ते शब्द दियां लगामां पा के रखोगे ना, जिथे ये सुभा बने बदलेगा ना, उत्ते शब्द दियां लगामां दे नाल अपने मन नूं भी काबू रखो। आखो वाहे, एक बारी सारे बोलो वाहेगुरू। जितनी कोई तेज रफ्तार हुए ना कहन लगे, जितनी कोई तेज रफ्तार हुए ना उसके मुताबिक तेज ब्रेक चाहिए है। आखो वाहे, ब्रेक देनी है ना,
जितनी कोई तेज रफ्तार से दौड़ता हो उसके मुताबिक ही ब्रेक लानी पेगी, ब्रेक लानी पैंदी है जिते रुकना है। तो मन तो बड़ा तेज दौड़ता है, बहुत तेज, पवन नालों भी तेज, तो इसनों ब्रेक लग सकती है तो गुरु शब्द की, होर कुछ नहीं। मैं जो छोटा सी ना शायद मैं सुनिया करता सी गुरु शब्द की ये मन थोड़ी है अख वाहे, उदो मैं करता सी अख वाहे, सारे बोलो वाहे गुरु शब्द जी ये मन होड़ी है। गुरु शब्द दी ब्रेक, गुरु शब्द दी विचार, जिवें जिवें गुरु शब्द दी विचार करो करके वेख लेना मन काबू रहिंदा जे, आखो वाहिगुरु काबू रहिंदा जे। कदे दौड़न लगे ना फिर गुरु शब्द च लगा लो, दौड़न लगे फिर गुरु शब्द की विचार च लो, उन्होंने काबू आ जाता है। तो जिन्हां जिन्हां ने गुरु शब्द की विचार करके गुरु शब्द की विचार के अनुसार जीवन जीवे है उन्होंने मेरे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तन तन किया है। आखो वाहिगुरु किवें किया तन तन, पहलो वह शब्द बोली है